बिहार में एक बुजुर्ग किसान की अज्ञात अपराधियों ने निर्मम तरीके से कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। हत्या की खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना बखरी थाना क्षेत्र के बहुआरा स्थित चक्की बाद बहियार की है। मृतक किसान की पहचान जवाहर साहनी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने खेत की रखवाली कर रहा था, तभी अपराधियों ने देर रात उसके निर्मम तरीके से कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात अपराधियों की तलाश में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किशनगंज जिला अधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने सरकार के कल्याणकारी योजना को लेकर समीक्षा की, जिसके तहत उन्होंने ठाकुरगंज प्रखंड मुख्यालय का दौरा कर अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए हर घर नल जल योजना एवं बेसरवट्टी पंचायत में वैक्सीनेशन सेंटर का भी दौरा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाया जा रहा है और जो सैंपलिंग की जा रही है, टेस्टिंग की जा रही है, उसको हम लोग वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये चेक करने आए हैं यहाँ पर कि जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे पहुँच रही हैं कि नहीं। इसीलिए हर घर नल का जल जो योजना थी पीजी के माध्यम से जो संचालित है उसको हम लोग देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक यहाँ पे एक्साइज का चेक पॉइंट बनना है गलगलिया में, उसके लिए जमीन देखने का और फाइनलाइज कर। खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के दिधौन पंचायत के थलहा गांव के किसान मौसमी मार और फसल खाने वाले कीटों से परेशान हैं, जिसे उन्हें लाखों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल मक्के की खेती कर रहे किसानों में मायूसी छाई हुई है, क्योंकि सूखे की वजह से बालियों में दाने नहीं आए हैं। वहीं जिन बालियों में दाने आए हैं उन्हें कीट खाकर बर्बाद कर रहा है। वैसे में किसानों के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई है। टोटल पत्ता पिल्लू चढ़ गए, ये सब छे ऊपर का प्रकृति। अगर जो बादल लगा के बारिश हो जाती है तो सर पिल्लू बाजार में नहीं होती। बारिश जो नहीं होले यही कारण से ये में पिल्लू से हर एक खेत अपने तो देखे हजार एकड़ की, यहाँ 10,000 एकड़ जमीन है वो थलहा बहियार के दिघौन पंचायत में। एक थलहा बहियार पड़े एक नाम कहा जाए हथियो कोल और थलहा भी। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ की शुरुआत शुक्रवार को नहाए खाए के साथ हो गई है। वहीं राजधानी पटना में भी व्रती गंगा में डुबकी लगाई पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस साल भी बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने छठ व्रतियों को पटना के घाट तालाबों में छठ अर्घ नहीं देने की हिदायत देते हुए घर पर ही छठ व्रत मनाने की अपील की है। आज चैती छठ का पहला नहा खा दिन है। आज लोग स्नान ध्यान करेंगे और अरवाइन का भोजन करेंगे और कल जो है कि खरना होगा। कल दिन भर उपवास करके शाम में सब लोग खीर बनाएंगे तब अपना खरना व्रत तोड़ेंगे। आसिन का बहुत महत्व है, मतलब आसिन का शुभ पर्व ये होता स्टार्ट होता है। आपके दिन क्या होता है? आज का दिन नहाए खाए होता है इनका, मतलब नवरात्रा भी चालू है। करते हैं कोई कोई लोग करते हैं, मन में आ गया, मनोकामना पूर्ण हो गया, शौक हो गया तब मैंने अपने मनोकामना पूर्ण जिनकी हो जाती है वही छठ व्रत करते हैं। कुछ भी हो सकता है जी तो।